वेलकम टू फ्यूचर है दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आरी की धार कैसे लगाई जाती है और बेंत कैसे लगाई जाती है। चलो मैं वीडियो शुरू करता हूं। दोस्तों शुरू शुरू में क्या है, जैसे हम आरी की बेंत वगैरह लगाते हैं तो हम अपनी क्या करते हैं, नॉर्मल जैसे हम पहले इस्तेमाल करते रहे, मेरे फादर भी ऐसे इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं हम, इसमें ना अपने टेक में टक दे देते हैं। उससे क्या होता है, जैसे हम इसको नीचे की तरफ करते हैं, एक तो जो सा इसकी धार का ऊपर का कॉर्नर होता है ये ख़त्म हो जाता है, और एक इसको जब हम ऐसे लेफ्ट राइट में करते हैं तो आरी में क्या है, फरड़ यहाँ से पड़ जाती है। तो प्रॉपर जैसे हमें जिस डिग्री में चाहिए, हाथ है ये तो हल्का सा, एक दांत है इधर ज़्यादा हो गया तो इधर की तरफ कम हो गया, तो आरी का बैलेंस कभी बनता नहीं है। बेशक आप टकोरा सीधा भी चलाओ, या तो आरी इधर को भागना चालू कर देगी या इधर को भागना। तो इसका सही जो सा प्रोसीजर क्या है, अभी आरी की बेंत कैसे लगाई जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जेट कंपनी का है बेंत प्लस, तो इतना कारगर नहीं है, यानी कि मैं आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूंगा ये है कैसा। दोस्तों ये मैं सोच रहा, मैं किसी टूल की बुराई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। ये सिर्फ एक पत्ती का बना हुआ है, ठीक है। कई भाइयों के पास होगा भी, जैसे इसको करनी चाहिए ना, यानी कि जिस डिग्री में दांता मोड़ना चाहिए, ये वैसे मोड़ता नहीं है। मैं आपको स्लोप भी करके दिखाता हूँ, ये देखिए खोल के दिखाता हूँ, यानी कि प्रॉपर जो सी इसकी ये भी है ना, ये इसकी प्रॉपर टेपर में नहीं है, ये देखिए आप, ये यानी कि जैसे जुगाड़ है इससे बढ़िया हाथ से लग जाएगी। कहने के लिए हम इससे लगाएंगे, इसको मैं साइड कर देता हूँ, ठीक है। अब इससे जो सा बेस्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों में खोज में था, कि मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, ये मुझे इतना सेटिस्फाई नहीं लगा था। मैंने वीडियो में भी बोला था, मेरे पास पहले जापान का था, वो मेरा या तो उठा लिया या कहीं मिसफील्ड हो गया, कैसे भी हो गया, फादर लेके आए थे। अब ये मैंने नया, मुझे भाई ने गिफ्ट किया है, सऊदी में हमारे भाई रहते हैं मोहम्मद अशरफ। दोस्तों सो प्लायर ये मैंने आपको जेट कंपनी का दिखाया, ये इंडियन है। अब मैं आपको जापान का दिखाता हूँ, ये मेरे पास जापान का कंपनी है, सोमैक्स कंपनी है ये। तो जिन सर जिन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया है, ये सऊदी में भाईजान काम करते हैं जिनका नाम है मोहम्मद अशरफ जी, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो इसके अंदर इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, तो ये क्यों बेस्ट है सबसे ज़्यादा, तो इसमें क्या क्या खूबी है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आपको नज़र आ रहा होगा इस पर लिखा हुआ है मेड इन जापान, ठीक है। दोस्तों ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा सोमैक्स, नंबर है 250, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये इधर देखो जापान नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, ये देखिए आपको जापान नज़र है, ये इन्होंने भी आपने यहाँ मार्किंग कर रखी है, ये देखिए, और इधर भी इन्होंने अपना नंबर दे रखा है। तो दोस्तों ये इतना कामयाब क्यों है और उसे क्यों इतना बेस्ट है, ये क्यों बेस्ट है ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर क्या इन्होंने कर रखा है, ये एक पतली सी पत्ती दे रखी है, जिसके अंदर क्या हमारा दांता फंस जाता है, आगे पीछे नहीं जाता है, यानी कि इससे क्या होता है, दांता जैसे ये फंस गया, इससे कम बेंत लगी ज़्यादा लगी। इसमें क्या है, ये इन्होंने प्लेट दे रखी है 6 mm की, ये देखिए इसमें देखिए और इसमें देखिए, आपको अंतर नज़र आएगा जमीन आसमान का, क्योंकि ये दांता यहाँ, इसमें तो फंस जाता है दांता यहाँ, तो इसमें फंसता नहीं है दांता यहाँ, सबसे बेस्ट क्वालिटी इनकी, ये देखिए। और इन्होंने कोई भी इधर नंबरिंग वगैरह नहीं दे रखी है, जैसे आपने गीली लकड़ काटनी है तो आपको बेंत ज़्यादा चाहिए होगी, अगर आप मोल्डिंग काट रहे हैं तो उसके लिए बिल्कुल कम बेंत चाहिए होगी, इन्होंने कुछ नहीं मार्किंग वगैरह दे रखी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इन्होंने पूरी यहाँ पर ना मार्किंग दे रखी है, ये आपको नज़र आ रही है, और ये इनका स्टील में है, और ये परफेक्ट पकड़ने में इतना, यानी कि अच्छी इसकी पकड़, यानी कि जोर लग ही नहीं रहा हाथ से, हम इसको कर भी रहे हैं जोर नहीं लग रहा। और इसको मैं कर रहा हूँ, ये देखिए, और इसकी फिनिशिंग देखिए यहाँ से, और इसके देखिए, आपको खुद पता लगेगा कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर जो सी बेंत लगेगी बिल्कुल परफेक्ट लगेगी आपके। इसके अंदर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, इससे क्या होता है कम बढ़ती लग जाएगी आपकी, इसमें टेपर भी टेढ़ी मेढ़ी लगी, इसके जो सी टेपर है वो बिल्कुल जीरो लगी हुई है, बिल्कुल जितनी चाहिए उतनी लगी हुई है। अब मैं आपको इसकी बेंत लगा के दिखाता हूँ इसकी। दोस्तों इस आरी पर हम बेंत लगा के दिखाएंगे, साथ में हम धार लगाएंगे, क्योंकि पहले इसमें बेंत लगी फिर धार लगी, तो ये आरी भी मैंने बनाते हुए वीडियो डाल दी है, अगर किसी भाई ने देखनी है तो ऊपर आई बटन नज़र आ रहा होगा, आपने उसको जाके क्लिक करना और वीडियो देख लेनी है। दोस्तों अब मैं आपको इसकी स्लोप दिखाता हूँ, वो आपको नज़र नहीं आ रही होगी, अगर जैसे कोई गीली लकड़ वगैरह, जैसे चौक टोका हम मोटा काम करते हैं तो उसके लिए कितनी चाहिए होगी, ये मैं आपको दिखाता हूँ, कितनी टेपर भी इन्होंने कितनी फाइन लगा रखी है, ये देखिए आपको इसके ऊपर नज़र दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल जीरो है, यहाँ पर फिर इन्हें टेपर और टेपर और देखो इन्होंने मार्किंग कर रखी है, ये भी मैं दिखाता हूँ, ये आपको नज़र आ रही होगी मार्किंग इन्होंने कर रखी है भी, कितना कितना पॉइंट पर आपको टेपर चाहिए, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो।
अब मैं इसके अंदर बांध देता हूँ, क्योंकि ये हमारी स्टेकी आ रही है, इससे हम मोल्डिंग वगैरह काटते हैं, तो हमें बिल्कुल कम इसमें टेपर चाहिए। दोस्तों इसकी यानी कि धार लगाने से पहले हम इसकी बेंत लगाते हैं, ना कि पहले हमने धार लगा ली फिर हम बेंत लगाएंगे, क्योंकि फिर सारे जो उनसे इसके ऊपर के दांते का जो उनसा हो गया शार्पनर सारी ख़राब हो जाएगी। हमने शुरू में क्या करना है, एक दांता हमने इधर की तरफ मोड़ देना है, क्योंकि ये नहीं हम इधर पहले आ रही इधर करेंगे फिर ऐसे नहीं, हम क्या करेंगे पहले एक दांता इधर को मोड़ देना, फिर उसके बाद क्या करेंगे हमने पाँचवा दांता ले लेना है, 1 2 3 4 पाँचवें दांते पर फिर हमने पंच करना उधर की तरफ, यानी कि 5-5 दांते करके हम उधर की तरफ पंच कर देंगे। फिर हम जब इधर से आएंगे फिर हमने यहाँ से क्या करना है, एक दांता बीच में छोड़ के हमने उधर को पंच कर देना, फिर हम यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि इनका क्या होता है एक दांता तो इधर को होगा लेफ्ट को होगा, फिर एक दांता हमें बीच में सीधा करना पड़ता है, फिर एक राइट में, फिर एक सीधा करना पड़ेगा, फिर एक लेफ्ट में, फिर राइट लेफ्ट राइट, क्योंकि एक दांता बीच में खड़ा रहता है सीधा रहता है। ठीक है, अब मैं आपको लगा के दिखाऊंगा, क्योंकि जो सा हमारा ये इंडियन वाला क्या होता है ये दांतों में फंस जाता है ऐसे ऐसे, ये फंस जाता है क्योंकि दांते इसके बीच में आ जाए फंस जाता है, और ये वाला क्या होता है ये बीच में नहीं आएगा आपका। बेंत लगा रहा हूँ दोस्तों, हम जब बेंत लगाएंगे फर्स्ट वाला दांता इधर को करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे एक वाला दांता हमारा ये सीधा रह जाता है, ये वाला इधर आ जाएगा, फिर बीच वाला सीधा रहेगा, ये इधर से हम क्या करेंगे 5 दांते करेंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि फर्स्ट से लेके फिर 5वें दांते को इधर की आपकी तरफ मोड़ेंगे कैमरे की तरफ। ठीक है, अब मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, ये मेरा फर्स्ट वाला दांता है, तो मैंने ये बेंत लगाई है, ये मेरी स्टेकी आ रही है, क्योंकि मैं इसे हल्का सा वो ही काटता हूँ मोल्डिंग वगैरह या मार्चिंग, ये मैंने 1 2 3 4 और ये 5, दोस्तों आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये देखिए बेंत इसमें लग चुकी है। मैं पहले एक तरफ की लगा के आपको दिखाता हूँ, मैं ऐसे ही लगाऊंगा क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। दोस्तों एक तरफ की हमने बेंत लगा दी, आपको टीथ इधर की तरफ नज़र आ रहे होंगे, इधर की तरफ प्लेन है। ठीक है, अब हमने इधर की तरफ लगाने हैं, तो इधर की तरफ दोस्तों जो उनसे हमने लगाने हैं ना, ये देखिए अब इधर की तरफ हमने लगाने हैं, क्योंकि ये वाले टीथ हमने इधर को किए हैं, अब इधर क्योंकि ये मैंने आपको बोला था जैसे एक हमने कर लिया बीच में एक सीधा रहेगा, फिर एक हमने क्योंकि ये मैंने वाइट पेंसिल के साथ निशान लगा लिए, किसी भाई को जैसे दांतों का नहीं ना पता लगता गिनती का, पहले उसमें क्या करना है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 वाइट पेंसिल से निशान लगा सकते हो आप। ठीक है ना, और जब हमने ये लगाना है बेंत प्लास को, जब हमने बेंत लगानी है तो हमने इसको बिल्कुल नीचे बिठा लेना एकदम, ये नहीं कि टेढ़ा रखना ऐसे करना ऐसे नहीं करना, बिल्कुल हमने इसको सीधा बिठा देना है, बिल्कुल फ्री छोड़ देना है इसको, फिर हमने इसमें लगानी है। अब मैं इधर की तरफ लगा के दिखाऊंगा, अब फिर आपको इसमें धार भी लगा के दिखाऊंगा। दोस्तों दोनों तरफ हमारी धार लग चुकी है लेफ्ट और राइट में, जैसे मैंने बोला था एक दांता मैंने बीच में बिल्कुल सीधा रखना, ये देखिए। अब क्या है दोस्तों, हमने इसकी धार लगानी है, तो धार हमने कौन से टकोरे से लगानी है, ये देखिए ये जेके का टकोरा है, 100 mm का है, यानी कि 4 इंची का, क्योंकि स्टेकी आ रही है तो इससे हम धार लगाएंगे। दोस्तों ये हमारी स्टेकी आ रही है, स्टेकी आ रही का कहने का मतलब ये है यानी कि ब्रीक काम करती है, इसके छोटे टीथ हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 4 इंची का टकोरा लेते हैं। तो ठीक है, इसको जब हमने धार लगानी है देखो बिल्कुल हमने इसको इस तरीके से पकड़ के सीधा करना है, ना कि हमने इसको ना तो इस मैं इधर से दिखाता हूँ, ना तो हमने टकोरे को ऐसे करना है ना ऐसे करना है, अगर ऐसे करोगे तो क्या होगा आरी के दांते एक तरफ को हो जाएंगे, आप चलाओगे या आरी इधर को भागे, इसको बिल्कुल हमने सीधा करना है टकोरे को, ना इस डिग्री में ऐसे करना है ना ऐसे करना है। अब मैं आपको आरी की धार लगाना बता रहा हूँ भी कैसे लगाई जाती है, या तो आपके पास कोई ऐसे स्कंजे में बांध के लगा सकते हो, या वेंच वाइस है उसके अंदर भी बांध के लगा सकते हो। दोस्तों वुडवर्किंग वेंच वाइस पर भी हमने वीडियो डाल रखी है, ऊपर आपको आई बटन नज़र आ रहा होगा, उसको जाके आपने क्लिक करना और वीडियो देख लेनी, पूरा हमने बता रखा है इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों मेरी वेंच वाइस है, इसके अंदर क्या करूँगा, ये मैंने आरी की जो सी ब्रास की लगा रखी है, ये फोल्डिंग मैंने लगा रखी है। ठीक है, इसको हम निकाल देंगे, बड़े आसानी से निकल जाती है, इसको लगा के हम यहाँ इसको आरी को अपने को सही ढंग से बांध देंगे। ठीक है दोस्तों, ये मैंने अपनी दोनों तरफ प्लाई में ये बांध दी है, तो मैंने क्या किया 1.5 सूत के करीब ऊपर आएंगे हमारे दांते। ठीक है, इससे क्या होती है पकड़ में क्या होती है आरे की ना ये फड़फड़ाती नहीं है, जो सा हमारा टकोरा होता है झड़ता नहीं इतनी जल्दी। ठीक है, तो इसे अब हम लगाएंगे, ये देखो दोस्तों हमने क्या टकोरा जब ऐसे ले जाना, दूसरी बार ऐसे नहीं करना है, ऐसे और दोस्तों कभी भी आप धार लगाओ, जैसे मेरी तो ट्यूबलाइट जल रही है, अगर आप पीला बल्ब लगाओगे तो उसमें क्या होता है जो उनसे ये स्टील की है ना यारी दांते कर रहे हैं,
तो व्हाइट नज़र आ रही, तो हमें दांते यानी कि शार्प नज़र नहीं आ रहे। अगर बल्ब पीला होगा तो एकदम यानी कि क्लियर हमें दांते नज़र आएंगे। तो इसी तरीके से आपने लगानी है। ये नहीं है कि एक ही दांते पर आपने घिसते रहना, क्योंकि वह दांता गर्म हो जाएगा तो आरी की चश्मे में भी फ़र्क पड़ेगा, तो टकोरे में भी फ़र्क पड़ेगा। जैसे एक बार घिस दिया, फिर उससे आगे वाला घिसो, फिर उसको दोबारा इसको घिसको। दोस्तों हमारी यहाँ तक धार लग चुकी है। ये पत्ता बड़ा हार्ड पत्ता है, बहुत ज़्यादा हार्ड पत्ता है, क्योंकि कभी भी हार्ड पत्ता हो ना, अभी तो रात का कम से कम 1:30 बज चुका है, क्योंकि कभी भी हार्ड पत्ता हो तो आपने क्या करना, उसको धूप में रख देना आरी को, थोड़ा सा नरम हो जाएगा, क्योंकि टकोरे की खपत बड़ी कम होगी, नहीं तो ऐसा एक ही आरी जो टकोरा खा जाएगी। अब हमने यहाँ तक लगा दी है। अब इसके बाद टकोरे को देखो, ना तो ऐसे करना, ना ऐसे करना, ना ऐसे करना, ना ऐसे करना है, बिल्कुल हमने सीधा रखना आगे की तरफ, हाथ हल्का सा रख देना, क्योंकि जब हमने दांता करना है तो इधर का दांता भी तेज होना चाहिए, तो हाथ इधर को रखना है, जितनी आपको डिग्री में चाहिए ना, खड़े दांते नहीं करने आपको, हल्का सा इधर की तरफ टेपर करना है। अगर खड़े करोगे तो आरी चलेगी नहीं सही, जैसे ये मैंने किया, तो इधर का जैसे ये हम आरी को ऐसे करेंगे ना, तो ये इधर की तरफ भी धार लगनी है, ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ये वाला दांता बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए सीधा, क्योंकि जब जो ऐसे कटिंग करेगा, ये बिल्कुल धार इसकी ना सीधी होनी चाहिए। ये देखिए आपने क्या करना है, दांते की वी नहीं बनानी, ये वाला पोर्शन बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ये देखिए ये सीधा है, बिल्कुल सीधा है, आपने वी नहीं करनी इसकी, बिल्कुल सीधा, ये वाला ऐसे टेपर में रहेगा, ये बिल्कुल जैसे सीधा रहेगा राइट एंगल में, ठीक है। इस तरीके से हमने लगानी है धार इसकी। दोस्तों हमारी यहाँ तक लग चुकी है, तो मैं आगे के 9-10 दांते रह गए। दोस्तों जो था लास्ट वाला दांत है, इसकी हम धार लगाएंगे, कभी हमें प्लाई वगैरह आगे से कोने से काटनी होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपने। ये हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी आ रही। ठीक है दोस्तों, यानी कि कोई भी दांते की ना टक्कर नहीं बनी एकदम। अब क्या करेंगे, ब्रास की जो सी स्टेप है फिर हम इसके अंदर लगा देंगे। दोस्तों मैं एक जानकारी आपको देना चाहता हूँ, जैसे नए बच्चे इस फील्ड में आते हैं, क्योंकि जब हम आरी की धार लगाते हैं, कोई भी हमें इसे हार्ड वुड वगैरह ना काटें, या तो कच्ची लकड़ इससे काटें, क्योंकि दांते की फिर धार ना काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है। आप पहले हार्ड लकड़ काट दो, फिर दांते की धार इतनी सही नहीं रहती। जैसे अब मैंने पाइन की वुड ली है, तो मैं उसको काटूँगा, आपको दिखाऊँगा। ये मैं पाइन की वुड काट रहा हूँ, ये दोस्तों अच्छी बेंत और अच्छी धार लगाने का क्या मतलब होता है, मैं आपको दिखाता हूँ काटने के बाद। ये देखिए, ये मैंने कटिंग कर दी बिल्कुल। दोस्तों जो सा ये मैंने आपको बेंत प्लास दिखाया, ये इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा, अमेजोन पर भी नहीं, इंडिया में इम्पोर्टेड जो से टूल बेचते हैं उनके पास भी वो इसको सेल नहीं करते। अगर कोई रिलेटिव आपका बाहर रहता तो उसके ज़रिए आप बाहर से मंगवा सकते हो। तो इसमें 2-3 किस्म के आते हैं, एक में इसमें ग्लास भी नज़र आता है, ग्लास भी लगा हुआ होता है वो, इसलिए जैसे किसी की नज़र वीक है, चश्मा ना लगाना पड़े, तो उसके अंदर दांते काफ़ी मोटे मोटे नज़र आते हैं। तो दोस्तों इसी पर ये मैंने वीडियो बनाई है, तो जो से नए बच्चे इस फील्ड में आते हैं, जैसे उनको नहीं पता होता बेंत कैसे लगानी है, कि धार कैसे लगानी है, जितना मुझे आता था मैंने आपको उतना बता दिया, या अच्छा आता या बुरा आता वो आप देखिए। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और साथ में बेल आइकन का बटन दबाने के बाद ऑल का बटन दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आपने क्या करनी है, वीडियो शेयर करनी है और लाइक करनी है, और कमेंट बॉक्स में बताना नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए।